आपके साथ दीक्षा और हम बात कर रहे हैं आज के एक मुद्दे पर जो कि दिग्विजय सिंह पर है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जो कब क्या बोलते हैं ये कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है और बाकी नेताओं को छोड़कर जो कि अपनी पारंपरिक सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं उनकी जगह दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक राजेश राठौर जी, तो हम उनसे जानते हैं कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है। दिग्विजय सिंह अपनी परंपरागत राजगढ़ लोकसभा सीट छोड़कर एक चुनौतीपूर्ण सीट भोपाल की, जहां पर कांग्रेस 30 साल से चुनाव नहीं जीत पाई है, ये बहुत बड़ी बात है। और दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले ये इशारा किया था कि मैं कांग्रेस हाईकमान जहां कहेगा वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। और दिग्विजय सिंह ने ये जो चाल चली है उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक जो है कोई रणनीति दिख रही है, या इसका चुनाव परिणाम के बाद कोई न कोई फलसफा सामने इसमें आएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस समय मध्यप्रदेश की राजनीति के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह इस समय शैडो चीफ मिनिस्टर की भूमिका में है। दिग्विजय सिंह के कारण ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस की जो है सरकार बनी है। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा जैसी कठिन यात्रा करके ये साबित किया है कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो काम करने से बाकी कांग्रेस के नेता दूर हट जाते हैं, लेकिन मैं वो सारे काम पार्टी के लिए करने को तैयार हूँ। इसी कारण दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ संगत में पंगत कार्यक्रम चलाया था, और उस कार्यक्रम में हर विधानसभा में जाकर दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को कसम खिलाई थी कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, 15 साल से मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार हमें सरकार बनाना है, इसलिए हमें कोई भी उम्मीदवार हो उसका हर हालत में प्रचार करना है। आज जिस तरीके से कमलनाथ ने अचानक अकेले दिग्विजय सिंह के टिकट की घोषणा कर दी, जबकि इस तरह के टिकट की घोषणा दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा की जाती है, मध्यप्रदेश के कांग्रेस के टिकट को लेकर जो अभी उठापटक चल रही है उसके बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो दिग्विजय सिंह के मित्र भी कहे जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह ने भी बाद में कहा था कि सभी बड़े नेताओं को उन ताकतवर सीटों से लड़ना चाहिए जहां पर भाजपा लंबे समय से जीतती आ रही है, यानी जो कांग्रेस के लिए कमजोर इलाके हैं वहां दिग्गज नेताओं को लड़ाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने पिछले एक सप्ताह से के बाद कहना शुरू कर दी थी कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने इंदौर सीट के लिए भी सोचा था, लेकिन फिर बात ये तय हुई इंदौर में दूसरे भी उम्मीदवार हैं, लेकिन भोपाल में कोई खास उम्मीदवार नहीं है। भोपाल के लिए जो दिग्विजय सिंह का फैसला है वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि उनका फैसला सही था या गलत था, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए और भोपाल जैसी कठिन लोकसभा से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से राजनीतिक माहौल कांग्रेस को फायदा पहुँचाएगा। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितने सालों तक रह चुके हैं? दिग्विजय सिंह जो है 10 साल तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं अगले 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव वो रहे, और उसके बाद लगातार जो है वो कांग्रेस के लिए मध्यप्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो इसको लेके लगातार दौरे करते रहे। 1984 और 1992 में दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं राजगढ़ से। ये भी कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह परंपरागत राजगढ़ लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आमतौर पर बड़े नेता इस तरह की हिम्मत नहीं करते हैं। आज जो दिग्विजय सिंह ने के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है उसके हिसाब से पूरे देश में भाजपा ने जिस तरह से अमेठी में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, ठीक उसी तरह से दिग्विजय सिंह के कठिन सीट से चुनाव लड़ने के फैसले की चर्चा हो रही है।
भोपाल लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें भाजपा और कांग्रेस के पास है और भाजपा की ओर से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? ये वाकई चुनौतीपूर्ण बात है कि भोपाल लोकसभा सीट में जो 7 विधानसभा आती है उसमें से 6 इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। एकमात्र सीट विधानसभा से जो है पीसी शर्मा चुनाव जीते हैं, जो कांग्रेस के हैं और दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। इस समय वे जनसंपर्क और विधि मंत्री भी हैं और सबसे बड़ा योगदान दिग्विजय सिंह के इस चुनाव में पीसी शर्मा का ही रहेगा, जो स्थानीय वर्चस्व वाले नेता हैं। ये जो दिग्विजय सिंह का फैसला है, इस फैसले के लिए तो ये कहा जा सकता है कि मौत को गले लगा लिया, क्योंकि जो लोकसभा सीट से बीजेपी 5 साल पहले 370,696 मतों से जीती हो और उसके बाद जिस लोकसभा सीट की जो विधानसभा सीटें हैं उस क्षेत्र में जो आती है 7 सीटें, उसमें से मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास होना और उसके बावजूद दिग्विजय सिंह का वहां से चुनाव लड़ना, वाकई ये बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने जैसी बात है। इस समय जो भोपाल के सांसद है आलोक संजर, उनके अलावा वहाँ के मेयर भी दावेदार हैं। उम्मीद की जा रही है कि आलोक संजर को ही टिकट मिलेगा, लेकिन अब हो सकता है कि भाजपा बदली हुई परिस्थितियों में दिग्विजय सिंह के सामने किसी बड़े नेता को मैदान में उतार दें। लेकिन अभी जो मामला बना है वो ये है कि पिछली लोकसभा सीट के जो परिणाम आए थे उस परिणाम के आधार पर लगभग 370,000 वोट कवर करना और उसके बाद चुनाव जीतना, ये बहुत ही कठिन काम दिखता है। और अब दिग्विजय सिंह किस अंदाज में चुनाव लड़ते हैं, ये बात चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण और कमलनाथ उनके मित्र के मुख्यमंत्री होने के कारण दिग्विजय सिंह को चुनाव में काफी कुछ फायदा मिल सकता है। दिग्विजय सिंह का चुनाव जीतने से और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उसका क्या असर देखा जाए? ये बहुत ही गंभीर सवाल किया आपने कि दिग्विजय सिंह यदि चुनाव जीत जाते हैं तो वो देश के टॉप नेताओं में से एक होंगे जो कठिन सीट से चुनाव जीतेंगे। इसलिए उनकी कांग्रेस में निश्चित रूप से जो है हाइट बढ़ेगी। इस समय जो मध्य प्रदेश में उनके परंपरागत विरोधी हैं कांग्रेस में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खास माने जा रहे हैं। और यह कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में जो कुछ कर रहे हैं वो अपने बलबूते पर कर रहे हैं, ऐसे में उनको अपना राजनीतिक भविष्य पता है। यदि वो चुनाव हार भी जाते हैं तो अभी अप्रैल 2020 तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है, क्योंकि वो पहले से राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्हें सोनिया गांधी ने राज्यसभा का सदस्य मध्य प्रदेश से बनवाया था। अब यदि वो हार जाते हैं तो ये भी मान के चलिए कि ये कहा जाएगा कि जो व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उसके बावजूद चुनाव हार गए। यदि कम मतों से चुनाव हारते हैं तो भी दिग्विजय सिंह की राजनीतिक ताकत में इजाफा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि अर्जुन सिंह के बाद किसी कांग्रेस के नेता को चाणक्य कहा जाएगा तो उसका नाम दिग्विजय सिंह होगा। और ये बात भी सही है कि दिग्विजय सिंह जैसी चुनौती कांग्रेस के बाकी नेताओं में स्वीकार करने की ताकत नहीं है कि वो इस तरह की चुनौतियों का सामना करें। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कि इंदौर से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लगातार 8 चुनाव जीत चुकी हैं, उनको हराने के लिए इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और वे अपनी परंपरागत सीट गुना और ग्वालियर क्षेत्र से ही लड़ते हैं। ये बात सही है कि इस तरह का
जो हिम्मत का काम है वो कांग्रेस की राजनीति में सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और बीजेपी भी दिग्विजय सिंह के इस फैसले के बाद अपनी रणनीति को बदलने पर विवश हो जाएगी। चुनावी समीक्षा में राजेश राठौर जी के साथ अभी तक के लिए इतना ही, और भी चुनावी बातों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।